और साल 2023 के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी YouTube चैनल पर संतरे का मुरब्बा बनाने का वीडियो शेयर किया है। इसे बनाने में उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी भी उनकी मदद करती हुई दिखाई दी हैं। 5 मिनट के इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ये मुरब्बा राहुल और सोनिया गांधी कांच के जार में भर रहे हैं। इन जारों पर एक टैग लगा हुआ है जिसमें लिखा है विद लव सोनिया एंड राहुल। This is not my recipe, this is my sister's recipe. She found the recipe and then she's improved it into it. I'm just implementing. This is my mother's favorite jam. That's a fact. What do you say, mom? She said, throw it at us. That's good, then we can pick it up again. So now what's the plan? This has to boil now. No, 25 minutes at least. जब ये खोल जाएगा फिर इसमें ये राइट और ये डालेगा फिर ये 25 मिनट उबलेगा। इतना मुश्किल नहीं है। जिद करता है, मैरी जिद करती है, तो आप समझ लो दोनों जिद करते हैं। इज वेरी अफेक्शनेट, वेरी केयरिंग एंड स्पेशली व्हेन आई एम नॉट वेल ही टेक्स बोथ एक्चुअली राहुल एंड प्रियंका। बट सिंस राहुल इज हियर द बेस्ट कुक इन द हाउस इज हर मदर वाज हर मदर Then she learned a whole bunch of things from our Kashmiri relatives. From Dadi's Kashmiri relatives. Dadi's Kashmiri relatives. You see, when an Indian person goes abroad, I'm not talking of today because there are Indian restaurants everywhere, you cannot get adjusted to the food, say, in the UK or elsewhere. And similarly, when I came here, it took me time to get adjusted to the Indian flavor, especially the chilies. And pudina also, you can say. You know? You said you didn't like no, I didn't like hara dhania. Hara dhania, sorry. But now you like it a lot. She also didn't like achar, but now she likes achar a lot. Well, obviously, so she's changed. It took me a little, but then I really love. And if I go abroad, the first thing I have to have when I come back is harhar ki dal or chawal. और राहुल गांधी ने इस वीडियो में यह भी दिखाया है कि जब वह इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो उन्होंने बेसिक कुकिंग स्किल सीखी है क्योंकि तब उनके पास में कोई विकल्प नहीं था। राहुल गांधी कहते हैं कि खाने को लेकर बड़ी तादाद में राजनीतिक लड़ाई हुई है। गांधी जी के भोजन के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण था, शाकाहारी, बकरी का दूध और उनके पास न्यूट्रिशनल फूड का सेट था। मेरे पास भी एक न्यूट्रिशनल फूड का सेट है जो कि गांधी जी के सेट से थोड़ा अलग है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट।